फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फरमान। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू। आइए देखते हैं हमें इसे बनाने के लिए किन किन सामानों की जरूरत पड़ती है और कैसे बनते हैं। हम सबसे पहले अपनी कढ़ाई में घी डाल लेते हैं। आपको घी लेना है कम से कम 2 चम्मच। ये बेसन मोटे वाला लिया है हमने, और अब हम इसे बेसन को कढ़ाई में डाल देते हैं। इसको ना घी में साथ के साथ भूनना है। इस हमने लगभग बेसन हमने 250 ग्राम लिया है इसमें, और 2 चम्मच घी है इसमें, और इसे बीच बीच में चलाते रहना अच्छी तरीके से भून। इसे हमें ऐसे ऐसे चला के चलाना है ये, और इसमें ध्यान रहे इसमें गांठ ना लगे बिल्कुल भी। और हम इसमें धीरे धीरे करके घी थोड़ा थोड़ा करके घी ऐसे डालेंगे हम। हमने इसमें 1 चम्मच घी और ऐड करा। इसे अच्छे से चलाते रहना है बीच बीच में, जो ये हमारा लगना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। फ्रेंड्स, इसे लगातार चलाते रहना है इसे। हमने ये एक चुटकी पीला कलर ले लिया, हमारे लड्डू में कलर बहुत अच्छा लगेगा ये। फ्रेंड्स, हम इसमें कलर इसलिए डाला हमने, हमारा जो लड्डू है हमारे देखने में बहुत टेस्टी लगेंगे देखने में, और खाने में तो लाजवाब भी लगेंगे। और हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगे ये लड्डू हमारे, और हमारी वीडियो को लाइक करना। फ्रेंड्स, हमारा ये तैयार हो गया है ये। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं 10 मिनट के लिए। हम इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं। प्रेशर ठंडा हो गया, अब हम इसमें धीरे धीरे करके भूरा ऐड कर देते हैं। इसे चलाते रहना। हमने ये वाली 1.5 कटोरी भूरा मिला लिया इसमें, और ध्यान रखें इसमें गांठ नहीं पड़नी चाहिए, इसमें गांठ पड़ने का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। इसे चलाते रहना, अच्छे तरीके से चलाना है। फ्रेंड्स, अब इसको हम हाथ से मिलाते हैं अच्छे तरीके से, फिर हम इसके आपको लड्डू बना के दिखाते हैं अभी। अब हम इसमें जितना आपके हाथ में आ सकता है आप उस साइज का आप अपना हिसाब से आप बना सकते हैं, और दोनों हाथों से बनाना चाहे तो दोनों हाथों से बना सकते हैं, पर मुझे एक हाथ से ही आता है बनाना, इसलिए मैं आपको एक हाथ से बना के दिखा रही हूँ। देखो कितना एकदम परफेक्ट बना है, गोल। अब हम बाकी के भी बना लेते हैं ऐसे ही, और हम आपको ये सारे बना के अभी आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, जो ये हमारे हम दूसरा लड्डू तैयार करेंगे, जैसे हमारे हाथों पे लग रहे हैं तो इससे हमारे लड्डू फिर अच्छे नहीं बनते हैं, तो बीच बीच में आप ये हाथ ऐसे इस तरीके से झाड़ लेना है, जिससे कि हमारे लड्डू फिर प्लेन में दिखे और इसका आकार भी बहुत सुंदर दिखे। जो अब सभी लड्डू हम बना के आपको दिखाते हैं इसी तरीके से। हमारे लड्डू बिल्कुल फाइनल तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स, और देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। और हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा हमारे लड्डू आपको कैसे लगे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर करना। थैंक यू सो मच।